हेलो भाई जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, हरियाणा सीट एग्ज़ाम 2022 5 और 6 नवंबर ना जो है पेपर होने वाला है, उसमें यो काम ना करियो, नहीं तो पेपर में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, जब मैं हरियाणा में बताऊँगा कि दिक्कत हो सकता है, 5 और 6 तारीख ने पेपर होगा, यह कंफर्म न्यूज़ हो चुकी है। जी हाँ, अखबार में भी आ चुकी है, पूरी अखबार में कटिंग दिखाने आ रहा हूँ, तो वीडियो ने पूरा देख लियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसने ज्वाइन कर लियो, तो तामने पूरी अपडेट बताई दूँ। तो तामने बेरा होगा हरियाणा में सीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 और 6 तारीख ने, तो पहला तो यह अखबार की कटिंग देख लियो क्या कुछ बताया इसमें। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सीटी के एडमिट कार्ड 7 दिन पहले मिलेंगे, परीक्षा केंद्र में पैन तक नहीं ले जा सकेंगे। तो आप सभी ये तो पता ही होगा, साथ ही परीक्षा का जो टाइम है 5 और 6 तारीख ने 10:30 से 12 बजे तक, और दूसरा पेपर होगा 3 से 4:30 लग। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो अपडेट है, वो नकल पेपर लीक रोकने के इंतजाम है। जी हाँ, सेंटरों पर जम कर लगेंगे, वीडियोग्राफी होगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की होगी। परीक्षा सिटी पहले व आखिर के 30 मिनट में वॉशिंग वॉशरूम में नहीं जा सकेंगे, कोई आंसर सीट खाली नहीं छोड़ सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी HSSC की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए डिबार होगा। इसमें लिखा है कि जी हाँ, कोई भी आंसर सीट को खाली नहीं छोड़ सकेगा, यानी कि आपको आंसर शीट में पूरे पूरे क्वेश्चन करने हैं, अगर आप छोड़कर आओगे तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, यह बहुत बड़ी अपडेट है, आपको इसके बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन इस पर आप जो है गौर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।